हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णा सु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टेट पर। आप सबको मालूम होगा कि ईपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टीजीटी और पीजीटी का वैकेंसी कुछ आया, तो इसका फॉर्म फिलअप कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, मैं ऑफिसर वेबसाइट पर हूँ और ऑफिसर का वेबसाइट आपको अपर मोस्ट पार्ट में दिख रहा है, वो आप टाइप कीजिए। करने के बाद आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, इसके बाद लिखा है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा, इसके जस्ट नीचे लिखा है कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन, तो इस कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए आपको दिखाएगा कि टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन, तो नौ पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसका अप्लाई करेंगे। तो मैं टीजीटी के लिए अप्लाई करके दिखा दूँ, सभी के लिए सेम प्रोसेस है, मैं टीजीटी के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पीजीटी के लिए भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा आपको मालूम होगा, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए वैकेंसी जो आया है उसका फॉर्म फिलअप हम करके देखते हैं। रजिस्ट्रेशन कर देखिए, इस साइड में आएंगे तो अप्लाई लिखा है और ये पीजीटी के लिए अप्लाई लिखा है, मैं टीजीटी जो है वहाँ पर अप्लाई में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्लिक करने के बाद फिर देखिए टीजीटी के लिए बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे आपका टीजीटी के लिए हो गया आपका टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी होम साइंस, बहुत सारे पोस्ट है, तो आप जो भी मैथ है टीजीटी का जो भी सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई करके देखता हूँ, रजिस्ट्रेशन कराऊँ। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आप क्लिक करके व्यू में कितने पर वैकेंसी वो आप देख पाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन जहाँ पर लिखा है रेड कलर में देखिए वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे कुछ लिखा है, जैसे कि कुछ भी आपके पास किए हैं नहीं किए जो भी लिखा है ये आप पढ़ लीजिए, आप हिंदी में है इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज आप पसंद लगे उस पढ़ लीजिए। नीचे आएंगे तो आपको देखिए ऑफ जहाँ पर लिखा है वाइट कलर दिख रहा है, तो वहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर होने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, विदाउट ग्रीन कलर, अगर मैं विदाउट ग्रीन कलर में आई एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा तो इसे आप वर्क नहीं करेगा। पहले वहाँ पर क्लिक करिए, ऑफ है, ऑन करिए, ऑन करने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि हिंदी में जो लिखा है आप पढ़िए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में आपको मालूम पड़ जाएगा क्या लिखा है। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन पहले किए हैं तो आपको यस करेंगे, यस करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, देखिए नीचे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मैं पहले करूँगा आपका नो कर रहा हूँ। ठीक है, न तो आपको पहले आपका जो भी नाम वगैरह वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, आपको अपर मोस्ट पार्ट में आपको दिख रहा है टीजीटी संस्कृत के लिए मैं अप्लाई किया हूँ, तो कैंडिडेट्स ने आपका जो नेम है वो आप फिलअप करें, जो कुछ भी नेम आप फिलअप कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी एक नेम फिलअप करें। ठीक है, ठीक है, नेम के बाद आपका फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम, फादर्स का नेम मैं फिलअप कर रहा हूँ या आपका हस्बैंड्स का नेम भी आप फिलअप कर पाएंगे, तो कुछ भी नाम फिलअप आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मदर्स नेम, आपका माता का नाम फिलअप कीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आराम से देखिए, धीरे धीरे देखिए, टाइम लगेगा लेकिन आप सब कुछ जान जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कैसे फिलअप करके देखिए, डेट आपका जो भी है वो आप फिलअप कीजिए, मंथ जो है आप वो फिलअप कीजिए और ईयर जो भी है आप वो कर लीजिए। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी आपको बेनिफिट अगर इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वेट कीजिए धीरे धीरे। ठीक है, हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपका हो गया, जेंडर मेल या फीमेल आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ रहा है, तो मैं मेल पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आ रहा है आप आर यू मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, तो मैं नो में क्लिक कर रहा हूँ। सिटीजनशिप, अगर आप सिटीजनशिप इंडियन है या तिब्बतियन रिफ्यूजी, रेफ्यूजी का मतलब जो आश्रय लेते हैं कोई और तरह के देश से आकर आश्रय लेते हैं, तो आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया में क्लिक करेंगे। ठीक है, डोमिसाइल स्टेट, कौन सी स्टेट में आप बिलोंग्स करते हैं, कौन सी स्टेट में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का तो फॉर्म में तो उत्तर प्रदेश ही फिलअप करूँगा, और अदर कोई स्टेट में तो अदर स्टेट आप फिलअप कीजिए। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया, अब देखिए आर यू डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर है क्या, मैं नो में क्लिक कर रहा हूँ, अगर है तो आप येस करेंगे, एक सर्विसमैन में मैं नो कर रहा हूँ, अगर है आप एक सर्विसमैन में तो आप येस करिए। हैंडीकैप्ड या दिव्यांग जिसको बोल रहे हैं, और कोई भी आप हैंडीकैप्ड है वो, अगर आपका लेग में प्रॉब्लम है या आई में प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट होगा तो आप फिलअप कीजिए, येस मैं नो में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा है हैव यू पार्टिसिपेट इन एनी नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन थ्रू स्टेट टीम ऑफ यूपी,
जो भी टीम यूपी की तरफ से हुआ है कोई स्टेट स्पोर्ट्स की तरफ से अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे, नो में क्लिक करो। अगर यस आपको किए हैं पार्टिसिपेट तो पार्टिसिपेट में यस करेंगे। कैटेगरी, कैटेगरी में एस सी जनरल आ रहा है, एस सी एस टी ओ बी सी नॉन क्रिमिनल है, तो आपका जो भी कैटेगरी वो क्लिक करेंगे, मैं जनरल में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस प्रकार जो फिगर है आप फिलअप नहीं होगा, वो जाने के बाद ही होगा। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है तो अभी आपका मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर लीजिए। मेल आईडी, मेल आईडी आपका जो भी हो वो आप फिलअप कीजिए। ठीक है, ये वीडियो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी एट द रेट टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर्म में तो क्लैरिटी होगा मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ईमेल आईडी आपका हो गया। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद आपको एड्रेस फिलअप करना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, कैरफ अगर कुछ देना चाहते हो तो आपका पिता का नाम दे सकते हैं कैरफ में। ठीक है, सभी पिता का नाम ही देते हैं तो आप दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाउस का नंबर, विलेज का जो भी नंबर है वो आप दे दीजिए, कुछ भी नंबर दे दीजिए। ठीक है, आपका जो नंबर है कुछ भी मतलब आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस फिलअप कीजिए। पोस्ट ऑफिस आपका जो है वो आप फिलअप कीजिए। ठीक है, ठीक है, स्टेट आप फिलअप कीजिए। डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कुछ आ जाएगा, मैं आगरा क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, फिर तहसील पूछेगा, तहसील में मैं तहसील में भी आगरा क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक नेम आपका ऑप्शनल है तो ब्लॉक नेम में कुछ मैं फिलअप से ही अकेला कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका है वो आप फिलअप कीजिए। पुलिस स्टेशन जो है आपका वो फिलअप कीजिए। ठीक है, फिर विलेज का नेम आ रहा है तो विलेज का जो भी नाम है वो आप फिलअप कीजिए, आपका चूज करिए। ठीक है, फिर आपका पिन कार्ड, ठीक है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो फिलअप कीजिए। ये जानने के बाद ही होगा, ये जब फिगर हो रहा है। ठीक है ना, आप स्क्रीन में जो आ रहा है। ठीक है, नेट जितना स्पीड रहेगा इतना जल्दी हो जाएगा, वेट कीजिए, नेट का स्लो चल रहा है। पिन कोड आपका जो है वो फिलअप कीजिए। ठीक है, हो गया। अब आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। पहले आपका हाई स्कूल जो टेंथ क्लास पास है, कौन सी बोर्ड से आप पास करें तो बोर्ड का आपका लिस्ट आ जाएगा। आपका जो भी बोर्ड है आप चूज करिए वहाँ से और फिलअप कीजिए। तो मैं पहला वाला उत्तर प्रदेश का बोर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सी ईयर में आपने हाई स्कूल पास किए थे टेंथ क्लास, वो आप फिलअप कीजिए। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से कोई फिलअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका रोल नंबर जो भी है टेंथ की सर्टिफिकेट में वो देख कर फिलअप कीजिए। मैं एक अनुमानिक नंबर दे दूँ एग्जाम्पल की तरह से, अगर मैं परसेंट मार्क करूँगा, मार्क में क्लिक करूँगा तो आपका कितने मार्क्स स्कोर किए थे और टोटल मार्क कितने एग्जाम होता है वो क्लिक करेंगे। अगर मैं परसेंटेज दूँगा तो ओनली परसेंटेज का मार्क पूछेगा। मैंने परसेंटेज क्लिक किया तो परसेंटेज का मार्क पूछेगा। ठीक है, वेट कीजिए, थोड़ा मिनट स्लो है। इस प्रकार फिगर जब रहेगा काम नहीं करेगा, जाने के बाद ही काम। देखिए मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज में रोल नंबर किया, परसेंटेज में क्लिक किया, परसेंटेज क्लिक करने के बाद ये एन आ गया नॉट अवेलेबल। अगर मैं मार्क क्लिक करता तो ऑप्टेन मार्क कितने स्कोर किए, तो मान लीजिए 1200 मार्क का एग्जाम होता तो मैक्सिमम 1200 और अपने अगर स्कोर किए थे 600 तो 600 लिखेंगे। ठीक है, अपने आप वहाँ पर परसेंटेज आए, लेकिन परसेंटेज क्लिक करेंगे तो आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। ठीक है, 56% दे दिया। ठीक है, फिर आपको सिलेक्ट करना है कितना डिजन, 56 आपका सेकेंड डिजन था, मैंने सेकेंड डिजन में क्लिक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब प्लस टू का, प्लस टू लेवल का, तो आप इंटरमीडिएट में क्लिक है। बोर्ड आपका जो भी है वो चूज कीजिए आप उसे। देखिए मैंने पहला वाला उत्तर प्रदेश का बोर्ड दे दिया। ठीक है, फिर आपका मांगेगा कौन सी ईयर में आपने क्वालिफाई किए थे। ठीक है, वो आपको मांगेगा, तो जानना तो आपका जो भी है आप फिलअप कीजिए। मैं मेरे हिसाब से कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी जो भी ईयर में आप प्लस टू पास किए थे। ठीक है, रोल नंबर आपका जो है कुछ भी दे दीजिए, आपका मतलब जो सर्टिफिकेट में कुछ भी मतलब सर्टिफिकेट में, एक ऐसे एग्जाम्पल के तरह में ले लिया। ठीक है, फिर आप परसेंटेज अगर मैं चूजूंगा तो कितने परसेंटेज था मैं लिखूंगा। ठीक है, अगर मार्क ऑप्शन करूँगा तो मार्क कितने रहेंगे। ठीक है, धीरे थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये परसेंटेज जो था मैं वो कुछ भी लिख लिया हूँ, 67% मैंने फिलअप कर लिया और सिलेक्ट मैंने 67 फर्स्ट डिजन था, फर्स्ट डिजन में क्लिक कर लिया। ठीक है,
और टू क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा, एक तो ग्रेजुएशन और एक बीएड का, ठीक है। चलिए धीरे धीरे करते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका आ जाएगा ये बीए में, जो भी ग्रेजुएशन का बीए में आपका संस्कृत है कि नहीं था, तो ये ठीक रहेगा। तो येस और नो, ये मीन ये सबका करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो येस नो करेंगे तो फिलअप नहीं हो पाएगा, वेट कीजिए थोड़ा। फिर आपका कौन सी स्टेट से आपने ग्रेजुएशन पास किए थे, मैंने उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में फिलअप करूँगा, ठीक है, वेट कीजिए। फिर आपको फिलअप करना है कौन सी कॉलेज की आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जो भी यूनिवर्सिटी है, मैंने पहला वाला यूनिवर्सिटी दे रहा हूँ या सेकेंड वाला यूनिवर्सिटी में दे रहा हूँ, ठीक है। आपका जो यूनिवर्सिटी देखिए आप उसी हिसाब से फिलअप कीजिए, ठीक है। फिर आपका ये आ जाएगा ईयर ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट, कौन सी ईयर में पास किए थे, ठीक है, मैंने 13 दे दिया, ठीक है। तो अभी मैंने परसेंटेज उसका मैं क्लिक करूँगा, अब मार्क में भी क्लिक करूँगा, मार्क क्लिक करेंगे तो कितने मार्क रखे थे कि छोटा मैसेज और क्लिक कर, मैंने परसेंटेज रख दिया तो कैलकुलेट करके परसेंटेज लिख लूँगा, ठीक है। अब परसेंटेज लिखना है मुझे, ठीक है, मैंने परसेंटेज लिख लिया। परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पर रोल नंबर देना है, सर्टिफिकेट का रोल नंबर नहीं दिया हूँ कुछ भी, रोल नंबर आपका जो भी ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि इशू डेट कब था, ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। देखिए ग्रेजुएशन का आपका इशू डेट, देखिए इशू डेट, ये सर्टिफिकेट रोल नंबर मैंने रोल नंबर दिया था, रीड नहीं किया शायद, 3-4 और इशू डेट में क्लिक करेंगे। देखिए इशू डेट में आपको किस प्रकार, देखिए इस सेंटर में जो 1/3/2021 लिखा है वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए 2021 आ गया। अब अगर लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो आप पीछे पीछे जाएंगे, राइट हैंड साइड में करेंगे तो आगे आगे जाएंगे, हमको पीछे जाना है। आपको अगर मैं 2018 करूँगा, 2018 में शायद मैंने क्लिक किया था, पास किया था, लिखा था, हाँ 2013 में, अगर 2013 में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 2013 तक जाना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करके जाऊँगा, ठीक है। देखिए और एक हो गया। अब मंथ, कौन सी मंथ में क्वालिफाई किया, तो मैंने फरवरी मान लिया, और कौन सी डेट था तो मैंने 12 मान लिया, ठीक है, ये आपका हो गया। इस प्रकार का आपको फिलअप करना है, परसेंटेज तो ले लिया हूँ, इस परसेंट, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन का। अब बीएड, देखिए 2 और 3 में बहुत कन्फ्यूजन आ सकते हैं, बीएड का एक होता है, आप ग्रेजुएशन का बात करते हैं 2 ईयर कोर्स के हैं या 1 ईयर का, जो भी के हैं, अगर ये फिलअप करें 2 में, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे ग्रेजुएशन का साथ बीएड, तो आप 3 में जाए के साथ जाएंगे, तो मैंने 2 में जा रहा हूँ, जो मैंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब किए हैं, ठीक है, इसी हिसाब से किया हूँ, तो इसी हिसाब से हम जाएंगे। आप एक क्लिक करेंगे, यस की एक क्लिक करेंगे, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा, नेट का प्रॉब्लम है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पर क्लिक करेंगे कौन सी स्टेट से आप पास किए, मैंने वही उत्तर प्रदेश दे दिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करें तो कौन सी कॉलेज आपका आ जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने पहला वाला यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया, आपका जो यूनिवर्सिटी आप बहुत चूज़ कीजिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार का कौन सी ईयर, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह पूछेगा, ठीक है, देख लेते क्या पूछा है। ईयर पहले पूछा है तो मैंने 20 दे देता हूँ, ठीक है, 2020 दे दिया, और मैंने मुझे अभी चूज करना है सर्टिफिकेट का नंबर चूज करना है, कुछ आपका जो सर्टिफिकेट का नंबर है देखिए ऊपर मोस्ट पार्ट में लिखा होगा वो क्लिक कीजिए। इशू डेट पे क्लिक करूँगा तो इसी प्रकार का आ गया, और मैंने बोला था कि यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंटर में तो आपका आ जाएगा, और आगे जाना है तो आप आगे जाएंगे, और पीछे जाना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, पीछे लेफ्ट हैंड साइड 2020 आ गया। हाँ ये मोबाइल से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए आराम से, लेकिन तो गलत कर सकते हैं आप, हो गया ना इतने तक। हाँ अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वही मैं परसेंटेज ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकते परसेंटेज हमारा जो चूज करना है चूज कीजिए, लेकिन जिस हिसाब से चूज करेंगे इस हिसाब से ये दिखाएगा, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि क्यों आया है नहीं, ठीक है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज में जो है वो मैंने वो लिख लिया, ठीक है, ये हो गया आपका इतने तक। अब यहाँ पर देखिए अडॉप्ट टीचर डिटेल्स, अगर आप अडॉप्ट टीचर तो आपको मालूम होगा अगर कहाँ पर भी जॉब किए हैं अडॉप्ट के हिसाब से, ठीक है, टेम्परेरी हिसाब से ये एक प्रकार का जॉब कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे आप, यस करेंगे तो आपको मांगेगा इसका नंबर, कब ज्वाइन किए थे, तो
ज़्यादातर तो लोग 8 में नहीं होते हैं, तो मैं 9 में जाता हूँ। अगर यस है तो आप यस कीजिए, ठीक है, मैं 9 के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। 9 करने के बाद ये आपको वेरिफिकेशन कोड पूछेगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ई सी शायद है, स्मॉल सी शायद है, सी, फिर आपका जे पूछेगा, फिर आपका 8 पूछ रहा है, फिर आपका एस। तो ये करने के बाद आपको वैलिडेटेड रिव्यू में क्लिक करना है। प्लीज लेटर कुछ मैंने छोड़ दिया, सर मैंने ई डब्ल्यू एस कैटेगरी को छोड़ दिया था, ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में आपको क्लिक करना है, ये छोड़ दिया था। तो आप 9 में क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो आपको नंबर वगैरह पूछेगा, ठीक है। जो छोड़ देंगे तो ये फिलअप नहीं होगा, जो छोड़ेंगे वो आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया, और कुछ गलत है कि नहीं, फिर आप क्लिक कीजिए। फिर मैंने कुछ छोड़ दिया, सिलेक्ट डिवीजन है, यहाँ पर क्लिक नहीं किया था। हाई स्कूल में डिवीजन, डिवीजन आपको चूज करना है 56, यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको फर्स्ट या सेकंड, जो भी है सेकंड 56 में सेकंड, ठीक है, यहाँ पर जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर आपका कुछ गलत होगा तो पूछेगा, यहाँ पर एक है छोड़ दें। इंटरमीडिएट में भी कुछ सिलेक्ट डिवीजन नहीं किया था, तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट डिवीजन सिलेक्ट करना है, डिवीजन सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए और कहाँ पर गलती है क्या नहीं, वैलिडेट में क्लिक करें तो आपको दिखा देगा। हाँ, ये थर्ड में जो ग्रेजुएशन का है, ये आपके ने क्वालिफाई किया कि नहीं ये वो पूछ रहा है, वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 9 में क्लिक कर देंगे तो आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। जो फोर्थ, क्योंकि आपने अगर फोर्थ इंटीग्रेटेड किया है तो यस करेंगे, अगर इंटीग्रेटेड किया तो इसको नो करेंगे, किसको, टू को नंबर को। अगर आपने बी एड किया तो डायरेक्ट तो टू नंबर में यस करेंगे और थ्री नंबर में नो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शायद इस पर ठीक हो जाएगा। देखिए अब हो गया आपका फॉर्म इस प्रकार का आ जाएगा। फिर आने के बाद देखिए, आई हैव केयरफुली चेक द इंटरव्यू, आपको चेक करना है पहले सब ठीक ठाक है कि नहीं। करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है, देखिए इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद, ये मोबाइल में ही होगा आपका, ठीक है, थोड़ा इसको लैंडस्केप कर लीजिए। हाँ, सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट का ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, करने के बाद आप ओके कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपका फायदा ही रहेगा, मोबाइल से फिलअप कर पाए के कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए आपका हो गया, ये सब डिटेल्स मैंने फिलअप कर लिया हूँ, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी आपको क्या पूछेगा, मांगेगा फी, आपको 750 रुपीज़ देना पड़ेगा जनरल के लिए, ठीक है। चेक तो प्रोसेस पेमेंट पे प्रोसेस में अगर मैं क्लिक करूँगा तो चला जाएगा, और आपका मेल आईडी को रजिस्ट्रेशन अपने के तो मेल आईडी में, और आपका जो आपका मोबाइल नंबर वहाँ से आपका नंबर चला जाएगा मैसेज आपके पास, ठीक है। ये था, अगर मैं पेमेंट क्लिक है टू प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करूँगा तो प्रोसेस पेमेंट में आ जाएगा। डू यू हैव टू प्रोसीड टू फी पेमेंट, ओके करेंगे तो आ जाएगा। देखिए किस प्रकार का आ जाएगा, देखिए इस प्रकार का आएगा, प्रोसीड टू फ्री डिपॉजिट। देखिए अगर यहाँ पर स्टेट बैंक है या कुछ भी, वहाँ पर अगर क्लिक आप करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन में, तो फीस डिपोजिट नहीं करूँगा तो प्रोसेस थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का आ जाएगा, SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक, अदर, अगर आपके SBI में है तो SBI में क्लिक करेंगे, अगर SBI में नहीं है तो अदर बैंक के साथ भी आप जा पाएंगे, ठीक है। अदर बैंक के साथ जाना पड़ेगा, जाने के बाद जिस प्रकार का आपको पूछेगा, देखिए क्या मांगता है, पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। देखिए 767.70% कटेगी इसका, कोई भी बैंक है इधर से स्टेट बैंक के साथ, तो आप उसका चूज कीजिए। अगर मैं ICICI चूज करता हूँ तो ICICI बैंक डिटेल है कुछ, आप चूज करें, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और कम्पलप हो जाएगा। अगर मैं प्रोसेस कहूँ तो इस प्रकार का ये प्रोसेस था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर लग रहा है इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, कुछ जान पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी इस प्रकार का वीडियो आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।